In this class, we are going to discuss about the next type of tense, which is past perfect continuous tense. हमने लास्ट किया था अपने असाइनमेंट में पास्ट परफेक्ट, उससे पहले किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हमने ऐसे ही अपना पिछला भी किया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमने किया था कि कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम से होता आ रहा है. अब है कि कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम से, तो जब कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम से हो रहा था तो हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे थे, है नहीं, सॉरी, पहचान क्या है, से रहा था, से रही है, से रहे थे. तो कोई काम पर्टिकुलर टाइम से हो रहा था, पहले हमने किया था प्रेजेंट वाला, उसमें हो रहा है, इसमें रो रहा था. अब सब कुछ वैसा ही सेम है, स्पेसिफिकली ऑफ सिंस एंड फॉर. सिंस हम करते थे किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए, फॉर हम करते थे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है. तो वही रूल यहाँ पे भी अपना आ रहा है, सेम सिंस एंड फॉर का. तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम से वो काम हो रहा है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस 2 PM, तो वो हमारा पर्टिकुलर है. बट अगर फॉर 4 hours, फॉर 15 minutes, फॉर 20 days, तो हमारा इनमें कोई भी पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है. टाइम तो हम क्या लिखते हैं, फॉर. तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम. तो कुछ हम एग्जांपल करते हैं. आई हैड बीन, अब सब्जेक्ट के हिसाब से हैड का कुछ चेंज नहीं होना, बीन का कुछ नहीं चेंज होना, सिर्फ आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंस या फॉर कहां पे कैसे लगना, क्लियर. तो आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग ही होगा क्योंकि पूरे दिन में मॉर्निंग एक ही बार आती है. यू हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 2 PM, तो 2 बजे से अगर कर रहा हूं तो इसलिए सिंस आया. बट ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है. आप लोगों को लगेगा कि 15 मिनट पर्टिकुलर है, बट वो पर्टिकुलर नहीं है. अगर मैं हर 15 मिनट की बात करूं तो कितनी बार 15 मिनट आ रहे हैं, तो कौन से 15 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है. बट 2 बजे कौन से बात हो रही है, 2 बजे दोपहर के 2 PM. तो अगर ये आता है कि दे हैव बीन ईटिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम की जगह पर अगर आता है कि वो बचपन से खाना खा रहे हैं, या कोई भी काम बचपन से हो रहा है, तो वो सिंस आएगा, क्योंकि चाइल्डहुड हमारे पास एक ही बार आता है. राज हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 7 PM, ठीक है, तो 7 PM से वो खाना खा रहा है. तो दिस इज द एफर्मेटिव रूल. गोइंग टू द नेगेटिव रूल, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट, जो नेगेटिव की पहचान है, नेगेटिव की यही पहचान है. आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग आ गया. यू हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 PM, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट्स, दे हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम, राज हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 7 PM. तो कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ नॉट लगेगा, वो भी हैड के बाद. गोइंग टू द लास्ट पार्ट विद द इंटरोगेटिव, अगेन यहाँ पे सिर्फ एक चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है. तो हैड एंड देन सब्जेक्ट देन बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर. हैड आई बीन कुकिंग सिंस 2 PM, हैड यू बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2014. अब 2014 एक ही बार आया, ठीक है ना. अगर ये होगा कि आप एक साल से कॉलेज जा रहे हो तो फॉर आ जाएगा. Had he been working as a teacher for 5 years? 5 साल कौन से है पता नहीं, बट अगर ये होता है कि वो टीचिंग कर रहा है सिंस 2015 से, तो सिंस आता. Yes, sir. Had they been watching movie for 7 days? अब यहाँ पे for 7 days आ रहा है, क्योंकि 7 दिन कौन से है मैं वो नहीं पता. Raj had been using this car since 2011.
तो यहां पे सिंस और फॉर का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को गलती इसी में लगती है. इज दैट क्लियर? गोइंग फॉरवर्ड इस वीडियो के बाद आपको असाइनमेंट आएगी, वो आपने असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी, विच विल शो हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव गॉट विद दिस टेंस. क्लियर? थैंक यू.